तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और हम आउटडोर लोकेशन तो हाँ अभी 7:30 हो रहे हैं, हम आउटडोर लोकेशन पे आए हैं एंड यहाँ पे काफ़ी बर्थ रहती हैं, यमुना घाट है दिल्ली में। तो ड्रोन नीचे प्लेस है, रेडी फॉर द फर्स्ट फ्लाइट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 4K 60 FPS हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी एक्सप्लोर करनी है। लेट्स टेक द फर्स्ट फ्लाइट, टेक ऑफ करते हैं और कुछ सैम्पल शॉट्स निकालते हैं। DJI Mavic 3 Classic एक ऐसा फ्लैगशिप ड्रोन जो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। इसका हमने हैंड्स ऑन किया है, इसकी थोड़ी फ्लाइट ली है, टेस्ट किया है, सैम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ एंड देन वील लुक एट द सैम्पल्स एंड लेट्स टॉक अबाउट कि इसका क्वालिटी कैसा है, किन लोगों के लिए है और अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रोन यूज़र हैं, आप अपग्रेड कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी मैं इसका मैक्सिमम हाइट देख रहा हूँ, कितना जा सकता है ड्रोन, और जो मुझे अभी लिमिट मिली है दैट इज़ 120 meters। तो इंडिया में अभी तक जो लिमिट है दैट इज़ 120 meters, आई एम श्योर आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा होगा बट अभी मुझे यहाँ पे लिमिट मिल रहा है। तो जो आपको अभी प्रीव्यू दिख रहा है फाइनल ड्रोन फुटेज का दैट इज़ फ्रॉम 120 meters। तो काफ़ी सही लग रहा है, ये लोकेशन काफ़ी सही है, बोट्स हैं, बर्ड्स हैं। तो कुछ और थोड़े से शूट करते हैं और फिर इसके बाकी फीचर्स फिगर आउट करते हैं। तो अभी हम एक टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें जैसे 8 ऑप्टिकल सेंसर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं अगर कोई सब्जेक्ट आता है। तो अभी जैसे यहाँ पे मयंक है, तो अगर मैं ड्रोन को पास ले जाने का ट्राई करता हूँ तो वो मेरा जॉयस्टिक इधर है बट वो जाएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे मुझे दे भी रहा है कि ऑप्टिकल सेंसिंग है जिस वजह से ड्रोन वहाँ पर नहीं जा रहा। तो इट्स वर्किंग प्रिटी गुड, 8 सेंसर्स जो हैं चारों डायरेक्शन में, इट हेल्प्स मी कि अगर कुछ पेड़ वेड़ कुछ भी आता है तो जो मेरा ड्रोन है वो एक तरह से सेफ है। अब क्विक शॉट्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ड्रोनी, रॉकेट, सर्कल, इस तरह के। तो मैं ये सारे मोड्स एक बार ट्राई करता हूँ और विद नेम मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से मोड में आप कैसा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो पहले ड्रोन ही ट्राई करते हैं अब, और यहाँ पे ना ये प्लस का साइन भी दिख रहा है, मतलब मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को सेलेक्ट करता हूँ या मैं ड्रॉ भी करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने अपने ऊपर ये सिलेक्शन कर ली, तो अब अगर मैं स्टार्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली टाइमर के साथ मुझे फ्रेम में रख के इस तरीके से कुछ ड्रोन इफेक्ट देगा। तो अभी बैटरी पूरी ख़त्म हो चुकी है, हमने लगभग इसको आधा पौना घंटा इजीली उड़ाया है। तो जो ब्रांड क्लेम कर रहा है आई थिंक 46 मिनट्स वो है, बट एक चीज़ मुझे सही लगी, हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है और अंदर फ़ैन की आवाज़ आ रही है जो उसको कूल रखता है। तो हीटिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है, बस ये है कि अगर आप इसको फ्लाई कर रहे हो जैसे अभी हमने किया, ज़बरदस्ती बैटरी कम था फिर भी हम कर रहे थे और बहुत रिस्की जगह पर अभी हम हैं, बट लकीली हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर ही जब बैटरी ख़त्म हुई वहाँ पर लैंड हो गया। तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा और चार्ज करके थोड़े और शॉट्स लेते हैं, बाकी इंडोर जाके लेट्स टॉक अबाउट दिस ड्रोन। तो दिस इज़ day 2, कल बैटरी ख़त्म हो गई थी ड्रोन की तो हमें चार्ज करके आज फिर से शूट पे आना पड़ा। क्विक शॉट्स जल्दी से ट्राई करते हैं, क्विक शॉट्स में काफ़ी डिफरेंट शॉट्स हैं जो ड्रोन अपने आप लेता है। तो एक बार फ्लाई करते हैं, बिकॉज बिना फ्लाई करे क्विक शॉट्स पे अगर मैं जाता हूं, तो मुझे इंडिकेशन देता है पहले फ्लाई करो। तो टेक ऑफ करते हैं, तो सबसे पहले क्विक शॉट्स में मुझे ड्रोनी का ऑप्शन दिख रहा है और आप देखोगे यहाँ स्क्रीन पे 2 प्लस के आइकन आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं एक एरिया सेलेक्ट करके बता सकता हूँ मैविक 3 क्लासिक को कि इस चीज़ को सेंटर में रखना है। तो मैंने अपने आप को सेलेक्ट कर लिया और अब पहला जो मैं मोड ले रहा हूँ दैट इज़ ड्रोनी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या क्रिएट करता है।
अभी इसमें एक ही सर्कल मोड है, इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेफ्ट में सर्कल चाहिए राइट में, तो राइट वाला लेते हैं और मैं अपने आप को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार इस तरीके से, एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग मोड लग रहा है, वो है पैनोरोमा। चार ऑप्शंस हैं, स्पीयर, 180, वाइड एंगल, वर्टिकल, बट मैं स्पीयर ट्राई कर रहा हूँ, होपिंग कि कुछ बढ़िया सा निकल के आएगा। मैंने इंटरनेट पे देखा कुछ 360 टाइप फोटोज़ शायद आती हैं, अभी हमने एक सैम्पल भी है, तो वापस शूट करते हैं। तो मैंने एकदम 120 मीटर्स पे रखा है, तो ये क्या कर रहा है, अभी मल्टीपल फ़ोटोज़ क्लिक करी जा रहा है, तो वेट करते हैं जब तक ये कैप्चर करेगा और देखते हैं फाइनल आउटपुट क्या आता है। तो ये बेसिकली इस लास्ट मोड में क्या कर रहा है, ये एक तरीके से सारे शॉट्स ले रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। आई एम अज्यूमिंग ये 360 डिग्री कुछ इफेक्ट बनाएगा वो टाइनी प्लैनेट वाला, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, एंड आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन। अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग मोड मैं ट्राई करने वाला हूँ, दैट इज़ क्रूज़ कंट्रोल। अब क्रूज़ को एनेबल करने के लिए टॉप राइट में 3 बटन्स हैं, वहाँ मुझे टैप करना पड़ेगा कंट्रोल वाले सेक्शन में जाके। मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूँगा ना थोड़ा सा, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है बॉटम कस्टमाइजेशन, तो मुझे बेसिकली यहाँ जाना है। C2 जो बटन है मैं उसको डेडिकेट कर रहा हूँ, नीचे की तरफ दो कस्टम बटन होते हैं, तो C2 बटन में आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल एनेबल्ड हो, तभी मैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर पाऊँगा। ऐसा कोई अलग सा कहीं पे मोड अवेलेबल नहीं है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, मान लेते हैं मेरा ड्रोन ऑलरेडी वहाँ सेट है, तो अब मैं अभी क्या करूँगा, मान लेते हैं मैं आगे को पुश कर रहा हूँ और हल्का सा लेफ्ट को एंगल दे रहा हूँ, और अब अगर मैंने क्रूज़ दबा दिया ना, तो ये ऑटोमेटिकली देखना ये आगे भी जा रहा है, लेफ्ट को भी मूव कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, रिमोट कंट्रोल मेरा ऐसे ही हाथ में। और ये क्यों, बिकॉज ये क्रूज़ कंट्रोल सेट हो चुका है, और जैसे ही मैं C2 वापस प्रेस करूँगा तो इस तरीके से वो ड्रोन वहीं रुक जाएगा। तो इसका बेनिफिट मुझे ये लग रहा है कि मान लेते हैं कि मैं एक बहुत ही सिनेमैटिक शॉट लेना चाह रहा हूँ और मेरे हाथ जॉयस्टिक पे उतने अच्छे नहीं बैठे हैं, कई बार हल्का सा एक्स्ट्रा हो गया तो वह अजीब सा जर्क दे देता है, तो जस्ट मेकिंग श्योर कि ड्रोन वापस आ रहा है। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको एकदम सिनेमैटिक शॉट्स मिल जाएंगे, और जो आप प्रोफेशनल आउटपुट देखते हो वो अब इन चीज़ों से बहुत ईजी होता जा रहा है, लाइक कोई भी क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे ना बेसिकली 3 मोड्स हैं, सिने, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो पहले सिने पे मैं स्विच कर रहा हूँ, और एक बार देखते हैं कि मैं सेम फ्रेम रखने का ट्राई करूंगा। तो अगर सिने पे जा रहे हैं नॉर्मल और स्पोर्ट्स में तो क्या फ़र्क आता है, बेसिकली सिने में स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, नॉर्मल में एवरेज स्पीड रहेगा, स्पोर्ट्स में अगर मैं जाता हूं तो ये सेंसर को डिसेबल कर देगा और स्पीड एकदम फास्ट कर देगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट यहाँ हमें पता है कि खुली ज़मीन है तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। पहले सिने ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ तो मुझे जो यहाँ स्पीड दिखा रहा है दैट इज़ 4 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास, 5 मीटर, तो ये थोड़ा स्लो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल फुटेज भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो मैक्सिमम है 4.9 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब मैं इसको डायरेक्टली स्पोर्ट्स मोड में लेके जा रहा हूँ, नॉर्मल तो हम देख ही चुके हैं कैसा है, स्पोर्ट्स में देखते हैं कितना स्पीड लेके जाता है। सो मैं फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, आप फुटेज में देख सकते हो, ये अराउंड 20 मीटर्स पर सेकेंड पर जा रहा है, 20 मीटर्स इज़ मैक्सिमम। तो लाइक इतना फ़र्क है कि अगर मैं सिने पे हूँ वो 5 मीटर पर सेकेंड है, नॉर्मल इस नॉर्मल स्पीड आई थिंक वो 10-12 के आसपास होगा, और स्पोर्ट्स में अगर मैं चले जाता हूँ बहुत फास्ट जाता है। तो अगर आप ओपन लैंड पे हो तो स्पोर्ट्स मोड इज़ समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। तो अभी वीडियोस तो काफ़ी सैम्पल हो गए हैं, अब एक काम करते हैं थोड़े फोटो सैम्पल्स भी ले लेते हैं, बिकॉज काफ़ी लाइक हाई एंड कैमरा है हैसलब्लैड का, एंड आई एम श्योर इमेज क्वालिटी वुड आल्सो बी गुड। तो थोड़ा सा फ्लाइट लेते हैं, कुछ फोटो शॉट्स लेते हैं, 20 मेगापिक्सल ये इमेजेस कैप्चर करता है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इमेज आउटपुट कैसा आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैमरा, मैविक 3 क्लासिक के अंदर हैसलब्लैड का
माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है जो एक्चुअली काफ़ी बड़ा सेंसर है एक ड्रोन के लिए। जो मैविक 3 है इससे पहले वाला जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था दैट ऑल्सो फीचर्स द सेम सेंसर। तो कम कॉस्ट में आपको सेम सेंसर मिल रहा है और काफ़ी फीचर्स ये मैविक 3 से भी कैरी ऑन करता है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इसका पहला बेनिफिट जो मुझे मिलता है दैट इज़ कि मैं 10-bit लॉक फुटेज शूट कर सकता हूँ और बाद में अगर मुझे इसको कलर ग्रेड करना है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बिफोर आफ्टर डिफरेंस देख सकते हो। स्पेशली अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो तो ये जो बड़ा सेंसर है इसका डिफरेंस एक्चुअली दिखता है। यहाँ पे अगर आप कुछ शॉट्स देखोगे, हमने एकदम शाम के टाइम में शूट करा जब अंधेरा हो रहा था एंड स्टिल हार्डली एनी नॉइस, काफ़ी अच्छी डिटेल्स एंड कलर्स कैप्चर हो रहे हैं। सो एक डिस्क्लोजर, DJI ने मुझे एक गिम्बल भेजा था मैविक 3 क्लासिक विद दी RC कॉम्बो, बट जो मेरे व्यूज़ हैं मैं आगे शेयर करने वाला हूँ वो मेरे ही होंगे, इट वुड बी ऑनेस्ट व्यूज़ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस ड्रोन को यूज़ करते हुए। नाउ टॉकिंग अबाउट मैविक 3 क्लासिक, अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अप टू 4K 60fps पे शूट कर सकता हूँ, बट द गुड थिंग इज 5.1K में शूट होता है, उसको ओवर सैम्पल करके 4K में बनाया जाता है। तो 60fps तक आई कैन कैप्चर द वीडियोज, बट अगर मैं स्लोमो मोड में जाता हूँ तो मैं 4K 120fps तक वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो अगर आपको एकदम बटरी स्मूथ जो स्लो मोशन इफेक्ट चाहिए या बर्ड्स हैं फ्रेम में उसका कुछ स्लो मोशन क्रिएट करना है तो आप स्लोमो मोड में जाके 120fps पे भी 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। तो जब हम DJI Mavic 3 क्लासिक को ट्राई कर रहे थे एंड स्पेशली मैंने D-Log में शूट करा बिकॉज 10-bit का मुझे बेनिफिट लेना था, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एक तो हम मॉर्निंग में शूट कर रहे थे, थोड़ा हेज भी था तो प्रीव्यू में कुछ भी कलर्स नहीं दिख रहे थे, बट जैसे ही मैंने उसको ग्रेड करा मुझे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है ओवर द कलर एंड एक्सपोजर एंड स्पेशली डायनामिक रेंज। तो अगर आप फुटेज में देखोगे तो आपको डायनामिक रेंज का अच्छा खासा डिफरेंस पता लग जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट द बैटरी, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो बैटरी है उसका फ्लाइट टाइम जितना हमने टेस्ट करा 40-45 मिनट तक इजीली हमें मिल गया था, ब्रांड क्लेम कर रहा है 46 मिनट, सो इट इज़ क्लोज टू दैट डिपेंडिंग आप कितने रेजोल्यूशन पे शूट कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली टेक ऑफ कर रहे हो या लैंड कर रहे हो, ऑन एन एवरेज 40 मिनट आपको इजीली मिल जाएगा। तो एक बैटरी से 40 मिनट्स इज एक्चुअली गुड कंसिडरिंग आप इतना हाई रेजोल्यूशन शूट कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी Mavic 2 Pro यूजर्स हो द गुड थिंग इज ऑलमोस्ट डबल टाइम आपको मिल रहा है फ्लाइट का। तो अगर आप सिंगल बैटरी में उससे अराउंड 20-22 मिनट निकाल देते इससे ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, आप अराउंड 40 मिनट्स का फ्लाइट टाइम एक बैटरी से निकाल सकते हो। तो अगर आप Mavic 2 Pro से अपग्रेड करने का सोच रहे हो देन दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। अब अगर आप ये वाला ड्रोन फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो, ऑलरेडी आप ड्रोन यूज़ कर चुके हो, ऑब्स्टिकल सेंसिंग या डिटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो अब हम एक ड्रोन में देखते हैं। ऑल्सो इसके अंदर एडवांस RTH रिटर्न टू होम भी ऐड किया गया है, तो ये डिटेक्ट करता है बेसिकली जो रूट इसने लिया था उसी को डिटेक्ट करके वापस जहाँ से आपने फ्लाई किया होगा वहाँ पे लैंड कर देगा, एंड दैट हेल्प्स यू बेसिकली कि जिस पॉइंट से आपका ड्रोन गया था जिस रूट से गया था वहाँ से ही वापस आके वो लैंड कर जाएगा जब बैटरी इसकी अराउंड 12-15% रह जाएगी। तो आपने सैंपल्स में देखा होगा हम ड्रोन को काफ़ी दूर तक लेके गए थे जहाँ से मैं खड़े होकर ड्रोन उड़ा रहा था, तो इसका जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ अप टू 15 किलोमीटर्स। तो बेसिकली O3+ ट्रांसमिशन जो इसके अंदर है वो हेल्प करता है कि मैं 1080p एट 60fps लाइव फीड देख सकूं। इसका मतलब यह है कि अगर ड्रोन बहुत दूर भी जा रहा है विद इन 15 किलोमीटर्स तो मुझे जो फीड दिखेगा और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो दैट वुड बी क्लोज टू लाइव, वो ज़्यादा लैग नहीं आएगा और ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा मुझे। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है स्पेशली जब आप डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहे हो और आप एक्चुअली स्क्रीन पे देखना चाहते हो स्पेशली RC पे, तो आप इजीली देख सकते हो कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो चीज़ आपको उसी टाइम पे रिमोट पे दिख जाएगी। सो दैट वाज इट अबाउट DJI Mavic 3 क्लासिक। अब ये एक जैसे मैंने बोला फ्लैगशिप ड्रोन है फॉर प्रोफेशनल या सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स, तो अगर आप ऑलरेडी एक ड्रोन यूज़र हो आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो स्पेशली Mavic 2 Pro से अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, द वर्जन दैट आई वाज यूजिंग ये RC के साथ आता है जो काफ़ी इजी कर देता है कंट्रोल करना, मुझे अलग से फ़ोन नहीं लगाना पड़ता। टॉकिंग अबाउट दी फोटोज, यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी दिखा दूंगा जो हमने कैप्चर किए थे। पहली चीज़ 20 megapixel पे फोटोज़ आ रही हैं जो रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा जब हम जूम करके भी इमेज को देख रहे थे द आउटपुट इज़ वेरी शार्प वेरी क्लियर एंड इवन जो डायनामिक रेंज है दैट इज़ वेरी गुड। तो अगर आप इसको एज अ सीरियस फोटोग्राफर एरियल फोटोग्राफी के लिए या ड्रोन शॉट्स लेना चाहते हो अगर आप बेसिकली फोटोज़ का, तो वहाँ पे द आउटपुट वॉज एक्चुअली वेरी गुड। सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस विद द Mavic 3 क्लासिक, एक फ्लैगशिप ड्रोन सीरियस या प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो अगर आप हाई क्वालिटी वीडियोस निकालना चाहते हो या हाई क्वालिटी फोटोज चाहिए आपको, सो Mavic 3 क्लासिक कैन हेल्प यू विद दैट। इंडिया में जैसे मैंने बताया जब हम फ्लाई कर रहे थे 120 मीटर्स तक हाइट का लिमिट था एंड डिस्टेंस तो इट वॉज वेरी फार अवे,
अवेलेबिलिटी इंडिया में आई एम नॉट श्योर, अगर मुझे कोई बेस्ट बाय लिंक मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज आप लोकल डीलर्स में कहीं आसपास पता कर सकते हो अगर अवेलेबल होगा। सो दैट्स इट, आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये ड्रोन के बारे में कैसा लगा, आउटपुट कैसा था। फॉर मी लाइक वी एंजॉयड यूजिंग DJI Mavic 3 Classic। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।